हाय एवरीवन, कैसे हो सब? मैं ठीक ठाक हूँ। होपफुली आप सब भी बढ़िया ही होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज का व्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है किचन से। किचन से ही मेरा हमेशा व्लॉग स्टार्ट होता है, क्योंकि मैं और भाभी जा रखे थे मार्केट। मार्केट भी नहीं कह सकते, थोड़ा सा मतलब पति बीमार था और थोड़ी सी मैं अपने लिए मेडिसिन लेके आई थी, तो इसलिए हम गए जा रखे थे डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास आते ही ना मतलब लाइट काफ़ी टाइम की ना 11 o'clock से जा रखी थी, और हमें आती भूख लग गई। मुझे तो इतनी भूख नहीं लगी, मैं क्योंकि मुझे काफ़ी दिन से ना भूख लग नहीं रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। और भाभी को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो उन्होंने डिमांड करी कि उसे ना कुछ मतलब स्पाइसी ही खाना है, जैसे मतलब पास्ता वगैरह हो या मकरोनी हो या कुछ ऐसी चीज़ हो, क्योंकि उनकी है ना मतलब ऐसी चीज़ें फेवरेट है। मेरी भी हुआ करती थी कुछ समय पहले, जैसे ही मेरा वेट ज़्यादा गेन हो रहा तो मैं चे वाली चीज़ें अवॉइड ही करती हूँ, अपनी किचन में कम ही लाना पसंद करती हूँ। पहले के पैकेट मेरे पास कुछ मतलब पास्ता वगैरह के मकरोनी के पड़े हुए हैं। वैसे भी मुझे ना सुखपाल बहुत गुस्से होते हैं, बोलते हैं कि ऐसी चीज़ें लाते हो तो खाते हो, लाओ ही मत ऐसी चीज़ें, क्यों लाते हो आप किचन में। तो मैं इसलिए अब कम हो गई हूँ। पहले तो मैं भी काफ़ी मतलब चे वाली चीज़ें जैसी मतलब वो लेने जाते थे ना सामान वगैरह, तो मैं मार्केट से चे वाली चीज़ें जो पैकेट पहले उठा लेती थी, सब में ऑफर ही होती थी है ना, मोबाइल वगैरह में एक के साथ एक फ्री होता था ऑलवेज। तो ये वाली मतलब चीज़ें मैगी होगी, नूडल हो गए और पास्ता मकरोनी, ये वाली चीज़ें तो हम पहले उठाते थे, क्योंकि मुझे भी शाम को ये वाली चीज़ें ना बेस्ट लगती थी खाने के लिए। बट अब मुझे जैसे डर लगने लग गया है कि खाते हैं तो फिर वही होता है कि मैदा खाते हैं तो वेट कितना गेन होता है, प्रॉब्लम आती है आगे जाके, फिजिकल प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा सहन करनी पड़ती है, या उठने बैठने में, काम करने में, सब में भी जब आपका मतलब वेट ज़्यादा होता है तो सब में दिक्कत आती आती है। और आपके जो बड़े बड़े कपड़े ख़राब हो जाते हैं, सूट हो जाते हैं, क्योंकि आप पहन नहीं सकते। और हम लेडीज़ के पास सूटों की कमी नहीं होती, सबके पास बहुत ज़्यादा सूट होते हैं, वो लेडीज़ बहुत हैप्पी है जिनको हमेशा अपने सूट जब भी पहनती है तो वो सूट उनको पूरा आता है। मुझे तो ये वाली प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है कि नेक्स्ट सीजन में मुझे वो टाइट हो जाता है, और मुझे मम्मा हमेशा बोलते हैं कि तुझे कोई फ़ायदा नहीं है सूट बनाने का, तू मत बनाया कर इतने सूट। बट फिर भी वो मतलब सीजन में दिल कर पाता, 4-5 तो हो ही जाते हैं, नहीं करते करते है ना। चलो बातें करते करते अब मेरा पास्ता देखो रेडी हो गया है, भाभी ने बना लिया पास्ता, कैसे भी करके मतलब बना लिया। वो मेरे से पूछ रहे थे पास्ता कैसे बनता है, मैंने कहा मुझे भी जब बनाते हैं तो अपने बन जाती है चीज़ है ना, जब कोई पूछता तो बताने नहीं आती। तो मैंने कहा आप मकरोनी की तरह बना लो। वैसे मैंने 2-3 बार बनाया है, मलाई पास्ता भी बनाया है और दूसरा भी बनाया है, लेकिन मुझे अब मेरे दिमाग में ना मतलब इमिडिएटली कुछ नहीं आ रहा था कि कैसे बनता है। तो मैंने कहा जैसे भी आप बनाओगे मैं खा लूँगी, कोई बात नहीं। तो दूसरी साइड हमने चाय रख दी है, मेरी चाय बन रही है और साथ में बन रहा है पास्ता। और ये वाला फ्राई पैन इसलिए लगा रखा है कि फ्राई पैन ऐसी बात नहीं है, 3-4 और भी है, लेकिन वो होता है ना जैसे घसे पुराने कपड़े पहनने में हमें शौक आता, तो वो हो जाता है कि फ्राई पैन अगर नीचे से जलेगा भी तो कोई बात नहीं, हम पुराने वाला ही यूज़ कर लेते हैं, नहीं मतलब नए वाला बनाएंगे तो उसमें साफ़ करने में भी ज़्यादा दिक्कत आती है, इसका कोई बात नहीं है। जे मैं कुछ दिन पहले ना मतलब ओल्ड इसको मैं देने वाली थी, तो भाभी ने मेरे को मना कर दिया कि आप इसको मत दो, इसमें चीज़ बन जाती है, इससे मत करो आप, कोई बात नहीं। तो अब देखो मेरी चाय बनकर होगी है रेडी, तो मैं लेके जा रही हूँ चाय। उनको लग रखी थी ज़्यादा भूख, क्योंकि उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया था, उन्होंने मेरी वेट भी नहीं करी, बस रूम में ही हम चाय और पास्ता लेके आ गए। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर भी जरूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं मतलब आगे से जो भी मैं ना से मतलब व्लॉग अच्छे से डाल सकूँ। और वैसे भी बहुत दिन पड़ जाते हैं व्लॉग डालने डालने में, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा बिजी होना कि पूछो ही मत। उसके बाद खा पी कर हम चले गए पानी डालने के लिए, जैसे मैंने वेजिटेबल्स कुछ प्लांट्स वगैरह लगा रखे हैं तो उनको पानी देने के लिए चले गए। अभी भी लाइट नहीं आई थी, हम मोटर से मतलब टैंकी से पानी डाल रहे थे। इतने प्लांट्स को पानी देना बहुत टफ हो जाता है, पूरा 1-1.5 घंटा ख़राब होता है। और थोड़ी बहुत ही वेजिटेबल्स हमने उगाई है, इनमें ना मतलब सब्जी वगैरह लगने लग गई है अब, तो बस मुझे खुशी हो रही थी। तो बस भाभी को मैं साथ में ही लगाती हूँ पानी वानी देने के लिए, क्योंकि वो भी काम करवाती है, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय।